मुरादाबाद के पंडित नकला बाईपास स्थित मैफिया डिग्री कॉलेज में BUMS चिकित्सकों के द्वारा एक विशाल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद मुरादाबाद के अलावा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज एवं दिल्ली के अलावा अनेक स्थानों से आए BUMS चिकित्सकों द्वारा भाग लिया गया। इस मौके पर हिजामा पद्धति के माध्यम से किए जाने वाले इलाज के बारे में जानकारी दी गई। BUMS चिकित्सकों के सेमिनार में बड़ी तादाद में चिकित्सक मौजूद रहे। मुख्य रूप से डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर फहीम, डॉक्टर इफ्तिखार आदिल, डॉक्टर लोबना, डॉक्टर इंतजार, डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में डॉक्टर नाजिम ने जानकारी देते हुए बताया, आज BUMS डॉक्टर एसोसिएशन मुरादाबाद की तरफ से फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन AMU अलीगढ़ के साथ मिलकर के एक हिजामा पर वर्कशॉप का जो था आयोजन किया गया है। हिजामा बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है और बहुत से जो इस तरह के मर्ज हैं जो लगभग लाइलाज है उनमें भी बहुत असरदार देखी गई है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन AMU अलीगढ़ से वहाँ के डीन, फैकल्टी के डीन और इलाज विद तदबीर डिपार्टमेंट के चेयरमैन सहित बहुत सारे लोगों को, सात प्रोफेसर करीब यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने हिजामा से रिलेटेड जानकारी दी और मरीजों का इलाज भी किया। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे कि इन दवाइयों से किस तरह से फैज पहुँचता है, इनको इस्तेमाल कैसे नुकसान है? हिजामा असल में ऐसी पद्धति है जिसमें बहुत कम खर्च में मरीज जो है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज पा सकता है। जैसे अभी हमारे पास एक हाइपर एल्बुमिनेरिया का पेशेंट है, किडनी में उसकी प्रॉब्लम है, उसके लिए हिजामा जो है एक वरदान की तरह साबित हो सकती है, क्योंकि डायलिसिस वगैरह बहुत ही महंगी टेक्निक्स हैं, तो अगर रेगुलरली आदमी इस तरफ फोकस करेगा तो उम्मीदें बहुत बेहतर जो है उसे नतीजे मिलेंगे। हिजामा का फुल फॉर्म क्या है? हिजामा इटसेल्फ फुल फॉर्म है, लेकिन एक यूनानी पद्धति में जो होता है इलाज बिल तदबीर के नाम से होता है, जिसमें एक पार्ट जो है वो हिजामा है, एक पार्ट मसाज है, एक पार्ट स्टीम बाथ वगैरह, इस तरीके की चीज़ें।